दुनिया को आतंकी ओसामा बिन लादेन से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन आतंकवाद अभी भी नासूर बना हुआ है। अब ओसामा बिन लादेन का दोस्त विश्व के लिए खतरा बन सकता है। इसका नाम है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। वो अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए दुनिया में हजारों लोगों को अब तक उकसा चुका है। साथ ही वो आतंकी संगठनों के लिए भर्ती भी करता है। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स कनाडा का रहने वाला है और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, केन्या और जर्मनी में उसका प्रवेश बैन है। उसे बांग्लादेश ने अपने यहाँ से निकाल दिया है। आतंकी गतिविधियों के लिए, लोगों को उकसाने और रिक्रूटमेंट के लिए उसे फिलीपींस की जेल में डाल दिया गया है, जहां से वो जल्द रिहा होने वाला है। बिलाल फिलिप्स के नापाक मंसूबों पर अगर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो भारत के लिए भी नासूर साबित हो सकता है। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के पास बेशुमार दौलत है। वो पैसे की ताकत के दम पर दुनिया भर में धार्मिक प्रचार के लिए कई सेंटर खोल चुका है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब तक वो भारत में भी कई लोगों को कट्टरपंथ और आतंक के लिए उकसा चुका है। बिलाल फिलिप्स कतर में रहता है और इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाता है। वो जाकिर नाइक की तरह ही पीस टीवी पर भी आता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो आतंकी आपा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की सबसे बड़ी ऑनलाइन भर्ती करने वाली फिलीपींस की कारेन आयशा हमीदोन की तर्ज पर भारत में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे ऑनलाइन ऐप के जरिए सैकड़ों लोगों को उकसा चुका है।